आज 22 अगस्त है और मैं यहाँ किशन बाग में हूँ, वीडियो शुरू कर रहा हूँ। हमारा नवीन भाई है और सुरेश भाई है जो हमारे भैया जी रहते हैं ऊपर, तो कोई आए थे संत, कोई यहीं के वासी थे, उन्होंने भगवान के प्रति कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पुराना शिव परिवार का मंदिर है, तो मुझे ऐसे दर्शन दिए, वो उनसे चर्चा करूँगा बाद में, क्योंकि आज जो बात समझा था मैं कल उनसे, तो कल उन्होंने नवीन को दिया भाई कि आगे का काम कर दो, तो हमारे नवीन क्या है कि अच्छे कार्य का एक पढ़ा लिखा भी है और थोड़ा सा टेक्नीशियन के बारे में जानता, तो उसने साफ़ सफाई का बेड़ा उठाया भोलेनाथ के मंदिर का, तो आगे चल के दिखाता हूँ कि वहाँ क्या क्या किया इन लोगों ने। यहाँ पे काफ़ी मंदिरों का इन्होंने अच्छा सा जो दिन या थे वर्षों पहले मंदिर यहाँ पे, यहाँ के जो गुर्जर समाज के लोग थे तो 81 की बाढ़ में जो चले गए थे, तो उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा क्या डैमेज ही हो गया, तो उस हिसाब से इन लोगों ने अब धीरे धीरे कुछ व्यक्ति हैं एक जो उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट करने की कोशिश की है और अच्छा सराहनीय काम किया, जिसमें बोना जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर और भैरव जी का मंदिर शामिल है, जिनको अच्छा और अभी शिव परिवार के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं वो दिखाते हैं आपको वीडियो में, चलो चलते हैं। वो हमारे छत से जाना सब ऊपर और ये पूरा देख कर सिंहवाड़ में खड्डे पड़े थे वो हैं, ये अभी मेरे पीछे सुरेश आ रहा है। अब मंदिर स्थान पर पहुँच रहे हम कैमरों को आगे की ओर कर देता हूँ। ये हमारा किशन बाग परिसर है, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, हेरिटेज में आता है, और ये चारों ओर जो भूमि दिख रही है आपको ये किशन बाग की है। बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ का, वर्षा ऋतु का समय है इसलिए अभी कश्मीर जैसा नज़र आता है, पहाड़ियों पे बदल नीचे की ओर झुक रहे नज़र आते हैं, तो बिल्कुल कश्मीर नज़र आता है। और ये हमारा शिव परिवार का परिसर आ गया, यहाँ पे सालों से ये उजड़ा हुआ था, इसको वो आपको बताया था कि जो यहीं के किशन बाग के हैं तो इन्हीं का ये मंदिर था, अब वो चर्चा उनसे करेंगे तो उसका खुलासा वही बताएंगे। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर है यहाँ का, शिव परिवार मंदिर परिसर है किशन बाग का। पीछे आप देखोगे तो अभी घने पेड़ है तो मकान नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे खंडर मकान हैं यहाँ पे सारे जो किशन बाग के अवशेष बचे हुए हैं, और कल उन्होंने ये व्यवस्था साफ सफाई की है यहाँ पे। यहाँ ये शिवलिंग है पुराने, जिनको छेड़ने के लिए मना कर दिया था उन्होंने भी इसको छेड़ना, बाकी सारी साफ सफाई करते हैं, चारों तरफ साफ सफाई अच्छे से की। और आज ये थोड़ा बचा हुआ कार्य है वो पूरा करेंगे, शुरुआत की हमने, देखते हैं क्या क्या कार्य होता है। जब किशन बाग में सभी व्यक्ति अपने तरीके से रह रहे होंगे उस समय, ये तो उस समय शिवरात्रि समय जैसे पर्वों के ऊपर काफ़ी किशन बाग का यानी कि उत्साह मनाते होंगे यहाँ पे, और अब लगभग मुझे लगता है कि इस शिवरात्रि को यहाँ अच्छा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि कार्य व्यवस्था वैसी बैठाई जा रही है यहाँ पर भी। और आपको दिखाऊँ यहाँ पीछे ठाकुर जी का मंदिर भी है, जो वो आप पीछे की साइड देखोगे तो वहाँ वो ठाकुर जी का मंदिर है, जो अभी शास्त्री नगर जयपुर में यहाँ से मूर्ति ले जाके जो यहाँ के ब्राह्मण थे परिवार के, उन्होंने वहाँ 81 के बाढ़ में गए थे वो यहाँ से, तो उसी समय मंदिर छोड़ के जो मंदिर को ले जा नहीं सकते थे, और यहाँ की मूर्ति ले जाके वहाँ विराजमान करती, और उनकी वर्षों से मैं वहीं पर सेवा देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले व्यास कॉलोनी में रहता था और 1990 में यहाँ लंकापुरी आ गया था, उस लंकापुरी के बाद में मैं यहीं से जुड़ा रहा, तो मेरे को किशन बाग की
सभी कार्य योजना अच्छी लगी, यहाँ की कहानी अच्छी लगी, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो पहले भी बनाए और उसको अब सीरियल वाइज तरीके से वापस किशन बाग का एक प्लेलिस्ट बना दी मैंने, उसमें कंप्लीट किशन बाग की जो भी कार्य हुए हैं वो मैं जी के मंदिर का यहाँ जो भी उत्सव वगैरह मनाया गया उसका पूरा कार्य किया मैंने, बना बना के वीडियो डाल रखे हैं वहाँ पर। और ये अब इस पर मछली परि मंदिर परिसर को रिपेयर किया जा रहा है और भक्तों की देखते हैं कितनी कृपा मेहरबानी होती है, तो सब ये अपने जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे चीज़ का। ये सब बच्चे थे, उन्होंने कहा भी यार थोड़ा मुझे ऐसे दिखे थे, वो कहानी आपको बताई मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उन्होंने बताया तो ये लग गए भाई चलो ठीक है, हम जैसे में जैसे मिलेगा हम वैसे वैसे धीरे धीरे कार्य करके निकल, इन्होंने जिस तरह किया आज ये बचा हुआ कार्य आज पूरा करके जाएंगे, फिर अपने पशुओं को जाके अपना संभाल लेंगे। बस यही कार्य बता रहे हैं अभी आज को, आगे आने वाले वीडियो में और भी चीज़ें बताऊँगा। सामने ये मेरे बारात लेके जा रहा सुरेश गुजर रहे हमारे, ये यहीं के इनके पुरखे यहीं पे थे, आज ये अपने पैतृक स्थान पर रहते हैं, और ये हमारे नवीन कुमार हैं हमारे, और ये बच्चे भी साथ आए तो ये भी सहयोग करने के लिए आए हैं। वीडियो क्या है कि कंप्लीट बनने के लिए समय लगेगा, तो आज हमने मैंने जो इतना सा किया कार्य, ये हमारे भोलेनाथ है जिनका शिवलिंग यहाँ स्थापित है, वहीं पर बैठ के मैं बता रहा हूँ आपको, और ये कार्य योजना बढ़ाई है ये हमारे नवीन कुमार जितने भी लोगों तक पहुँच शेयर कर सके, जैसे पास में किशन बाग का पूरा ग्रुप चल रहा है तो ग्रुप से व्हाट्सएप बना रखा था, ये अपने हिसाब से शेयर कर देगा। और अभी मैं क्या है कि थोड़ा काम है मेरे घर पे, तो मैं अभी जा रहा हूँ और इस वीडियो को अभी अपलोड कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में और भी बाकी जो कार्य होंगे कौन कौन इससे जुड़ना चाहेगा वो सभी आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊँगा। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह राजावत है और मेरा YouTube चैनल क्रिएट किया हुआ मेरा, तो उस पर चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को। तब तक के लिए आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं, और तब तक के लिए जय भोलेनाथ जय श्री। ये हमारे सभी लोग अभी कार्य लगे हुए हैं और चारों ओर से आप किशन बाग की परिसर देख सकते हैं आप, अभी अच्छा ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, पहाड़ियाँ बिल्कुल कश्मीरी पहाड़ियों की जैसे नजर आ रही है सामने। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भोलेनाथ।